पिंडदान का महत्व। मृतक शरीर की आत्मा अपने साथ कर्मों का लेखा जोखा दूसरे लोक या अगले जीवन के लिए नहीं ले जाती। आत्मा अपने साथ अपने कर्मों का ब्यौरा, जो कि एक चिप कार्बन के कण पर अंकित होता है और जिसे चित्रगुप्त भी कहा जाता है। चित्र का अर्थ तस्वीर और गुप्त का अर्थ जिसका भेद ना मालूम हो, या एक अलौकिक क्रिया है और जो कि वायु द्वारा साथ जाता है और जिसे बायोचिप बोलते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा के साथ चिपका रहता है। यह बायो आत्मा साधारण आंखों से दिखाई नहीं देती और यह अंगूठे जितनी बड़ी होती है, परंतु इसकी मोटाई नहीं दिख सकती। पूरे जीवन का ब्यौरा कार्बन, वायु या हाइड्रोजन के कण पर प्राणी जो कुछ भी देखता, सुनता, बोलता और सोचता है, अंकित हो जाता है। इसमें अंकित सारी सूची यह चिप यमराज को देता है। केवल यमराज ही इसको पढ़ सकता है और नष्ट कर सकता है। उसे नष्ट करने के बाद ही यमराज प्राणी के कर्मों अनुसार उसे दंडित करते हैं। जब तक बायोचिप आत्मा के साथ रहता है, बायो आत्मा दूसरा शरीर धारण नहीं कर सकती। जब यह चिप बायो आत्मा से अलग किया जाता है, तब शुद्ध आत्मा अपने कर्मों अनुसार दुख या सुख का भोग करके नया शरीर धारण करती है। मृत्यु उपरांत बायो आत्मा मृतक शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, परंतु यह प्रेत आत्मा मृतक शरीर उसकी अस्थियों के पास वायु में दुखी रूप में मंडराती रहती है। प्रेत आत्मा मृत स्थान पर तब तक रहती है जब तक यह प्रेत आत्मा से बायो आत्मा में नहीं बदल जाती। यह बायो आत्मा ही यमराज के पास जाने में सक्षम होती है। इस प्रेत आत्मा को बायो आत्मा में परिवर्तन करने के लिए पिंडदान की आवश्यकता होती है। पिंडदान पुत्र, रिश्तेदार या किसी और द्वारा भी संपन्न कराया जा सकता है। यह 10 दिन की रस्म है। पिंड को 4 भागों में बांटा जाता है। 2 भाग 5 भूतों, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, 1 भाग यमदूतों और 1 भाग प्रेत आत्मा के लिए अर्पण किया जाता है। 9 दिन तक यह भोज खाने के बाद प्रेत आत्मा प्रेत शरीर में, जिसका नाप मनुष्य शरीर के हाथ जितना होता है, बदल जाती है और 10वें दिन इसको शक्ति मिलती है। इस शक्ति के साथ यह यमराज तक रास्ते पर चलने को तैयार हो जाती है। इस रास्ते को मृत्यु सड़क भी कहा जाता है। पिंडदान में दी हुई लाई से प्रथम दिन सर, दूसरे दिन गर्दन कंधे, तीसरे दिन हृदय, चौथे दिन पीठ, पांचवें दिन धुनी, छठवें दिन कूले गुप्तांग, सातवें दिन जांग, आठवें दिन घुटने, नवें दिन पैर, 10वें दिन भूख प्यास। यह निर्वाचित प्रेत शरीर भूख प्यास से दुखी 11वें 12वें दिन भोजन करता है। 13वें दिन प्रेत शरीर यमदूतों के पार्श्व बंधों में जकड़ा एक बंदी बंदर की तरह मृत्यु सड़क पर घसीटता हुआ चलता है। यमनगरी की दूरी 86,000 योजन, एक योजन 15 किलोमीटर लगभग है और एक दिन रात में 247 योजन चलना पड़ता है। सोलापुर रास्ते में अनेक प्रकार की यातनाएं, दुर्लभ रास्ते, भयानक पीड़ाएं, 11 महीने तक सहते हुए यमराज का राज शुरू होता है। वहां से यमनगरी का रास्ता शुरू होता है, जो कि इससे भी कष्टदायी है।